तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो मतलब जो कंपलसरी क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए या फिर आप डायरेक्ट स्किप करके लास्ट तक बढ़ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जो वीडियो में जो बताऊंगा वो कंपलसरी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मतलब आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर हूँ। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस जो आपका मतलब 2019 में जो होने वाला है उसमें तीन ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ए बी और सी ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें ए बी और सी ग्रुप पूछे जाएंगे, जिसमें से ए ग्रुप जो मल्टीपल एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रुप सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रुप ए जो होता है उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है जो कि 15 क्वेश्चन होता है, यानी कि जो नंबर है होता है पी नंबर तक, मतलब पी नंबर तक पूछा जाएगा, पी नंबर यानी कि ए बी सी डी करके दिया जाएगा पी नंबर तक। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन, तो 15 में से आपको 15 मतलब 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 15 आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो ग्रुप बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2 मार्क कंटेन करता है, यानी कि जो इसमें आपको ग्रुप बी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क का रहता है, यानी कि आपका टोटल 20 मार्क हो जाता है। 20 मार्क और इधर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ग्रुप पे 15, तो आपका 35 मार्क यहाँ पर हो जाता है, यानी कि 35 मार्क, और आपका जो थियोरटिकल पेपर होता है उसको 70 मार्क का रहता है, तो 70 मार्क के हिसाब से आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपका 35 हुआ, तो वहाँ पे ग्रुप सी में आपका 35 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप सी में 35 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिसमें मतलब जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्रुप में ये 3 मार्क या फिर 4 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि कुछ 3 मार्क के भी होंगे, मतलब ज़्यादातर 3 मार्क के होंगे, और कुछ क्वेश्चन 4 मार्क के भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका 35 मार्क का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप सी में। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब हम लोग का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का बात, मतलब कैसे कैसे मार्क आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में मतलब जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और कैसे पूछा जाएगा, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं गारंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, और जहां तक बता दूं कि जो चेक द्वारा जो मतलब कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाता हर साल, तो इसीलिए मतलब ये जो मतलब मैं बना रहा हूँ वीडियो वो प्रीवियस ईयर को स्टडी करने के बाद उस बेस पर बना रहा हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, और जहां तक देखा जो 2015 से पहले कंप्यूटर साइंस का पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन 2015 के बाद कंप्यूटर साइंस का पैटर्न लगातार वैसे ही चलते आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आशा है कि 2019 में भी इसी तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2000 हो सकता है 2020 में जाके चेंज हो। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देख वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार मतलब कैसे पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो फर्स्ट मतलब ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 में से आपको जिसमें से पता है कि 1 मार्क करके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क करके 10 का यानी कि 20 मार्क, और ग्रुप सी में आपका 35 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक क्वेश्चन ग्रुप सी में रहता है क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप सी में, तो चलो उसको भी दिखा देते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में आप देख पा रहे हो ग्रुप सी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, देखिए ग्रुप सी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 और 4 मार्क कंटेन करता है। ठीक है, इसमें 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक रहता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप सी में, और ये जो मतलब क्वेश्चन आपका जिसमें 3 और 4 मार्क मतलब मिला जुला के रहता है जो कि कुल टोटल 35 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 35 मार्क का। अब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ग्रुप ए में जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो C++ से रहते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो C++ प्रोग्रामिंग C++ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास शर्मा या वर्मा गैस है, अगर वर्मा गैस है तो वर्मा गैस में जो भी मतलब C++ का जो प्रोग्राम है वो सबको मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चन दिए सबको याद कर लें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को मतलब उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया 2015 से कम तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया उस सबको रट लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी के लिए ये बहुत मतलब बेटर ऑप्शन है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो C++ से ज़्यादातर आता है, तो इसमें एक प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन एक फंक्शन दिया रहता है, ये क्या है, मतलब ये किस क्या है, ये कीवर्ड है कि फंक्शन, इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, ये C++ से पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा मतलब C++ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमेशा मतलब कंपलसरी हर साल आता ही आता है कि ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर का सेट पूछा जाएगा या फिर अर्थमेटिकल ऑपरेटर का सेट पूछा जाएगा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर या फिर अर्थमेटिकल ऑपरेटर का या फिर मतलब किसी का भी आपका जो कंप्यूटर से देखते हैं तो उसमें पूछा जाएगा, एक तो लॉजिकल ऑपरेटर का पूछा जाएगा या फिर अर्थमेटिकल ऑपरेटर का पूछा जाएगा या फिर आपको मान लें एंड गेट का सिंबल क्या होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप सी आपका कंपलसरी है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर इज या फिर अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर, ओके। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गैसेस क्वेश्चन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो गैस क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जो पी नंबर पे क्वेश्चन आएगा ये हमेशा नेटवर्किंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो नेटवर्किंग जो चैप्टर होता है डेटाबेस कम्युनिकेशन नेटवर्किंग उसी से नाइन नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट और नेटवर्किंग में जो क्वेश्चन आता है उसमें से आपको जो ऑब्जेक्ट टाइप में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटाबेस से नेटवर्किंग चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो बुलियन एलजेब्रा चैप्टर का नाम है जो कि आपका कंप्यूटर साइंस में उसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, यानी कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट और डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग और जो आपका बुलियन एलजेब्रा उसमें से दो मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा वो भी बता रहा हूँ, तो जो मतलब बुलियन एलजेब्रा का जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक मतलब कुछ बेसिक टाइप का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बुलियन एलजेब्रा का टूटोलॉजी मीन्स मतलब टूटोलॉजी का मतलब क्या होता है बुलियन एलजेब्रा में, तो यहाँ पे वहाँ पर ट्रू हमेशा ट्रू होता है उसको टूटोलॉजी और फैकल्सी मतलब जहाँ पे हमेशा फॉल्स होता है, इस टाइप का मतलब जिसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये बुलियन एलजेब्रा हमेशा एक लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी कि लॉ क्या लॉ का इंपॉर्टेंट क्या लॉ का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ मतलब जो भी बुलियन एलजेब्रा जितने भी लॉ है जैसे, और ज्यादातर जो लॉ पूछा जाता है वो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये चार लॉ को बढ़िया से याद रखना है और डी मॉर्गन थ्योरम उसको भी याद रखना है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये बुलियन एलजेब्रा ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप वाला भी मैं आपको गैसेस क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कंपलसरी बुलियन एलजेब्रा का जो बेसिक जो ये क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आप कर सकते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है। इसमें तो आप और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप है जो मतलब C++ में आपको जो फंक्शन वाला टॉपिक को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर या फिर ए सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो आपको करना है उसके बाद जो क्वेश्चन मतलब किस टाइप का आएगा और जो करना है वो क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपलसरी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये जो आपका ग्रुप बी रहेगा ग्रुप बी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इनफिनिक्स ऑपरेशन इस टाइप का कोई भी रहेगा उसको मतलब इनफिनिक्स ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर इनफिनिक्स पूछा जाएगा या फिर प्रीफिक्स पूछा जाएगा या फिर पोस्टफिक्स पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मतलब ईजी, अगर आप लोग नहीं जानते तो यूट्यूब में सिंपल सर्च करके पता कर सकते हैं कि इनफिनिक्स और ये सब इनफिनिक्स पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या होता है और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे भी है और साथ में जो ग्रुप बी है जिसमें से 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो गैसेस क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपका एक क्वेश्चन ये कंपलसरी ये बुलियन एलजेब्रा से आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, द बुलियन एक्सप्रेशन, एक बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन जो कि ए डॉट बी डॉट सी मतलब ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू इतना, इसको मतलब इसको कॉड ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या लॉ है, देखो यहाँ पे देखो ये जो लॉ बन रहा है मतलब कौन सा लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ये जो बन रहा है मतलब ए डॉट बी डॉट सी ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे इधर में एक टू ब्रैकेट लगना चाहिए कि ए के आगे में यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट फिर ए डॉट बी स्टेप लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से जो ब्रैकेट मतलब जो भी एक मतलब लॉ आपको लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर लेना है, वो लॉ दिया रहेगा उस लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप से ये बुलियन एक्सप्रेशन है और इसको कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव ये चार पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे तो आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन जो मतलब
क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस इन चार ऑप्शन पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कॉम्पिटेटिव लो, एब्सॉर्प्शन लो और एसोसिएटिव लो। तो अभी जो ये वाला क्वेश्चन था वो कौन सा था, ये एसोसिएटिव लो का क्वेश्चन था, मतलब एसोसिएटिव लो था। यहाँ पे एसोसिएटिव लो कैसे कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव है, यानी कि ए डॉट अंडर ब्रैकेट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ये ब्रैकेट के अंदर डॉट सी, ये हम लोग को एसोसिएटिव लो कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या लो के कहलाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि बुलियन एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो दो क्वेश्चन होंगे, ये नेटवर्किंग वाला जो डेटा पे डेटा कम्युनिकेशन है नेटवर्किंग से चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का बात। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करना है तो आपका जो शर्मा गेस होता है उसमें जो क्वेश्चन जो मतलब जो चैप्टर में जो जो भी शर्मा नहीं वर्मा गैस का कर लीजिए, क्योंकि वर्मा गैस में ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो वर्मा गैस में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सबको आपको याद कर लेना, जितने भी चैप्टर के ज़्यादातर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ सी प्लस प्लस में थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो बाकी चैप्टर में बहुत कम कम है। उसके बाद आपको प्रीवियस फाइव ईयर के कम से कम मतलब मान लिया 2015 से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया सबको आपको याद कर लेना, ठीक है। इसमें आपका 15 आउट ऑफ 15 आने का बहुत चांसेस है। अगर आप 15 आउट ऑफ 15 लाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप इजीली बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रुप डी, उसके बाद आता है हम लोग का ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो गैसेस क्वेश्चन जो आएंगे ही कंपलसरी क्वेश्चन है उन्हें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर गैसेस क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन जो आएंगे ही आएंगे जो कंपलसरी है उस क्वेश्चन को पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे चार नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन। सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन को मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। ये ए बी सी इंटीजर्स हैं और डी आर फ्लोटिंग, यानी कि डी जो फ्लोटिंग है, इंटीजर क्या होता है फ्लोटिंग क्या होता है आप लोगों को जानते हो, अगर नहीं जानते तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इतना ईजी है कि कोई भी बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें से 2 मार्क मिल जाएगा, ईजिली आप 2 मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का चार नंबर, ये क्वेश्चन कंपलसरी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि ये क्वेश्चन सी प्लस प्लस का, ठीक है, प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मान लिया एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी प्लस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बॉडमास का जो रूल होता है ब्रैकेट जो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवीजन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, उसी टाइप से यहाँ पे करना है, यहाँ उस रूल को फॉलो करना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सी जो इंटीजर है और एफ जो फ्लोटिंग है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब जो रिजल्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप लोग देख पा रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, तो ये सी जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर आएगा और जो बी एफ नंबर हो उसका एक जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग आएगा, ओके। तो ये करना है आपको, ये बॉडमास का रूल करके इसको ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं, आप और 2 मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये गैसेस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब गैसेस क्वेश्चन है, ये मस्ट मतलब कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा और ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है, ये क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, ये 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें से मतलब डाटा टाइप पूछा जाएगा, यानी कि जैसे द एवरेज मार्क्स इन क्लास, मान लिया ये जो क्लास में एवरेज मार्क्स आया तो वो किस प्रकार का डाटा है, डाटा का टाइप पूछेगा, ये कि फ्लोटिंग है कि इंटीजर है कि चेयर है कह रहा है कि क्या है, इस टाइप का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कंपलसरी, ये क्वेश्चन आएगा आएगा, जो सी प्लस प्लस का पढ़े वो जानते हो, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि डाटा टाइप एंड हाउ इट रिप्रेजेंट, इस टाइप को कुछ आपको समझ में आ जाएगा इन हिंदी, तो आपको यूट्यूब में आप इजिली मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो आप समझ में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों बच्चों का क्वेश्चन टाइप का, मतलब बहुत ईजिली आप इसमें 4 मार्क ईजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत खांसी जुकाम हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर जो क्वेश्चन है, नहीं डी नंबर, ये मतलब ये आंसर यहाँ पर साइड में आप लोगों को दिख रहा है, तो ऊपर में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा डी नंबर, यहाँ पर सबसे ऊपर में डी नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ। तो उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे, यहाँ पे देखो आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आप मतलब अगर बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब गैस जो मतलब ये कंपलसरी क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, मतलब जो कि आएंगे ही आएंगे उस टाइप का क्वेश्चन पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इस टाइप का नहीं है कि जो आएगा आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आएगा आएगा, 7 नंबर है कि एग्लोरिथम लिखने के लिए आएगा, मतलब किसी भी यहाँ पे लिंकेड लिस्ट नोट्स ऑफ लिंकेड लिस्ट का एग्लोरिथम बनाने की मतलब लिखने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मतलब जो पढ़े होंगे वही सकेंगे, अगर जो नहीं पढ़े वो नहीं सकेंगे, तो ये ज़्यादातर मतलब जो पढ़े होंगे वो कर लेंगे, ये एग्लोरिथम वाला क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़े वो आगे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को उस पर फोकस करना, ठीक है, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंपलसरी है और ये मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका प्रिपेयर है ट्रुथ टेबल, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एवरी साल इस साल भी आएगा, मैं गारंटी के साथ
बोलता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल भी आएगा, ये बुलियन एल्जेब्रा टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें से एक आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड प्लस वाई और जेड के ऊपर बार है जिसको जेड का कंप्लीमेंट बोलते हैं। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं आप यूट्यूब में सर्च करके अगर आप नहीं जानते तो ईजिली आप ट्रूथ टेबल बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि मत बोलो ये बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 मार्क्स में आराम से आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से ही हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो बुलियन एलजेब्रा से पूछा जाएगा और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा ये ज़्यादातर नेटवर्क मतलब ये कुछ जो भी मतलब नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जैसे रिपीटर यहाँ पे दिख रहा होगा, रिपीटर लिखा हुआ है, रिपीटर या फिर मोडेम इस टाइप का जो भी रहेगा उसके बारे में पूछेगा, या फिर आपको नेटवर्किंग कीवर्ड मतलब नेटवर्क कीवर्ड जितना भी मतलब आपको जो भी गैसेस क्वेश्चन है जो भी मतलब आपका क्वेश्चन पेपर या फिर किसी में भी आप देखेंगे जो नेटवर्क कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे व्हाट इज नेटवर्क या फिर नेटवर्क का नेटवर्क जो भी मतलब नेटवर्क अगर जो भी क्वेश्चन में अगर नेटवर्क कीवर्ड आया तो आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि नेटवर्क कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर यहाँ पे जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है जैसे रिपीटर मोडेम एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है, ओके। उसके बाद अब ये हम लोग का क्वेश्चन से मतलब ग्रुप बी भी हो चुका है, आप ग्रुप सी की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रुप सी में आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप सी में ये क्वेश्चन एक मतलब डिफरेंस दो मतलब दो चीज़ के बीच डिफरेंस पूछेगा, लेकिन ये दो मतलब दो भी कोई भी ये सी प्लस प्लस से पूछेगा, दो ये दो भी मतलब कुछ भी रहेगा जैसे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो भी रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम उसके मतलब और ये उसके बीच में मतलब ये पूछा जाएगा, मतलब डिफरेंस पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप इस मतलब इसको मतलब समझते नहीं थोड़ा सा मतलब मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ये कंपलसरी है, ये क्वेश्चन ये हर साल आएगा कि ये प्रोग्रामिंग से जो प्रोग्रामिंग जानते हैं वो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एक प्रोग्राम दिया रहेगा उसका आपको आउटपुट लिखना है, जो प्रोग्राम आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको प्रोग्राम पहले से लिखा रहेगा और प्रोग्राम किसका लिखा रहेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि माइनस वाला उस पे प्रोग्राम लिखा रहेगा और उसका आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है। उसका आउटपुट क्या होगा उस आउटपुट को आपको लिखना है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, अगर आप प्रोग्राम जानते हैं तो बहुत इजी है, अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करके थोड़ा बहुत जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन 3 मार्क आई थिंक या 3 मार्क का रहेगा ये क्वेश्चन या फिर कभी कभी 4 मार्क का पूछे, लेकिन ये ज़्यादातर 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मतलब जो गैसेस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन मतलब C++ प्रोग्राम जस्ट मिनट, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन वो कंपलसरी ये आएगा ही आएगा। एक C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए बोलेगा, C++ का प्रोग्राम जिसमें मतलब कंस्ट्रक्टर के द्वारा उसमें ज़्यादातर बोलेगा कंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रोग्राम लिखने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कंस्ट्रक्टर के द्वारा, ओके। यहाँ पे जैसे 13 नंबर क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम इन C++ मतलब C++ में प्रोग्राम को लिखने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा राइट ए प्रोग्राम इन C++ जिसमें सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यानी कि आपको ये जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग जानते हैं वो ईजिली कर पाएंगे, अगर आप नहीं जानते तो इसको थोड़ा मतलब आपके लिए कॉम्प्लिकेटिव लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग का लिखा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मतलब ये जो क्वेश्चन है ये गैसेस क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये गैसेस क्वेश्चन है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ ये गैस क्वेश्चन ये आएगा नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। और बता दूँ कि जैक बोर्ड में मतलब जैक बोर्ड या फिर किसी बोर्ड कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं होता है, सिर्फ उसका टाइप रिपीट होता है, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उसका टाइप रिपीट होगा कि क्वेश्चन कौन सा आएगा और क्या टॉपिक आएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये सब तो कंपलसरी नहीं है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है मैं वो सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ बहुत सारे कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही आएंगे, जो कि आप प्रिपेयर कर लेते हो अच्छा खासा मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग का मतलब जो क्वेश्चन कंपलसरी है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 16 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स, यहाँ पे पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, कभी कभी इनफिक्स भी दे सकता है या फिर प्रीफिक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उस एक्सप्रेशन को आपको उस एक्सप्रेशन दिया रहा होगा उसको आपको स्टैक
स्टैक स्टैक और एक्सटैक का यूज़ करके एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि उसका जो वैल्यू उसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत इजी है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा आएगा, इसमें से आपको 3 या 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, ये आई थिंक ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन सी में मतलब ग्रुप सी में 3 और 4 मार्क कंटेन करता है, मतलब 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि कितना मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है और ये बहुत ईजी है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं कि कैसे करते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत बहुत ईजी है भाई, आप थोड़ा सा अगर कर लेते हैं तो इजीली कर सकते हैं। कि 17 नंबर जो है, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित में से मतलब जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको आपको इनफिक्स या फिर प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बनाना है, तो इसको आपको कैसे करेंगे। ठीक है, सब अगर आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में तो सबसे पहले आप YouTube में जाइए और सर्च कीजिए कि इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। ठीक है, इन हिंदी में, उसके बाद आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, उसको देखना है। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट प्रीफिक्स टू इनफिक्स, फिर हाउ टू कन्वर्ट पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, इस टाइप का आपको तीन टाइप से वीडियोज देख लेना है। उसके बाद आपका आप ये इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है उल्टा फुलटा, कुछ लो नियम मतलब ज़्यादातर नहीं, कुछ उल्टा फुलटा करके लिख दिया जाता है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैं अभी हम समझा सकता था बट बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गए तो नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दें, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 17 नंबर, एक ट्रांसफॉर्म करना है इनफिनिक्स टू प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, जो भी, ये क्वेश्चन 17 नंबर कंपलसरी है। और इसमें से 3 मार्क या फिर इसमें भी 3 या 4, यानी कि ज़्यादातर 3 मार्क, आई थिंक यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा। और इसमें आपको 3 out of 3 मिलेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है वो मैथ की तरह है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैथ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, SQL, फिर ये KMF, ये सब जितने भी, इसमें आपको एक भी मार्क नहीं कटने वाला। अगर आपका हैंडराइटिंग मतलब ठीक नहीं है, फिर भी आपको मार्क कटने वाला, अगर आपका मतलब जो भी लिखे हैं वो समझ में आता है, तो ये मैथमेटिक्स टाइप का ही है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी वाला वही प्रीफिक्स और इनफिक्स वाला था। हाँ, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है, जो 18 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा ही जाएगा। 18 नंबर क्या, राइट एन एग्लोरिथम, एक एग्लोरिथम लिखने के लिए बोलेगा किसी भी एक मतलब किसी के लिए, जैसे यहाँ पे मार्ज शॉर्ट प्रोड्यूस प्रोसीडर, उसके लिए मतलब उसके लिए एग्लोरिथम लिखना है। ठीक है, इस टाइप का जो मतलब कुछ किसी भी टॉपिक पाएगा उस पर एग्लोरिथम लिखना है। लेकिन ये जो नहीं जानते उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो जानते वो आप लोग ये करके जाएंगे कि एग्लोरिथम किसी भी एक टॉपिक पे एग्लोरिथम पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो हम लोग इंपॉर्टेंट कैसेज मतलब इंपॉर्टेंट जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, यानी कि जो हम लोग का नेक्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है हम लोग का जो यहाँ पे वो कौन सा क्वेश्चन था बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन हम लोग आता है वो 19 नंबर, ये हर साल एवरी ईयर पूछा ही जाएगा, जो कि 19 नंबर होता है। SQL कमांड्स लिखने के लिए बोलेंगे, SQL कमांड, ये बहुत ईजी, आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी लग सकता है जो मतलब नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि SQL कमांड, जो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, उसका कमांड लिखना है। इस टाइप का आपको दिया रहेगा, उसको कमांड लिखना है, और कमांड लिखने के लिए ऑप्शन आपको मतलब जो कमांड लिखना है उसके लिए ऑप्शन नीचे दिया रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्प्ले फर्स्ट जो ए नंबर, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो है ग्रेड सी, मतलब ग्रेड सी जो लाया उसको डिस्प्ले करना है, आइदर गेम और गेम टू बोथ, मतलब दोनों में से कोई एक मतलब एक आपको डिस्प्ले करना है। इस टाइप का जो भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन पे आपको ये SQL कमांड्स लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है और ये क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ये क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं 4 out of 4, यानी कि आपका एक भी मार्क यहाँ पे कटेगा नहीं। ये क्वेश्चन आता है KMF से, KMF यानी कि कर्नप मैप, ये बोले नहीं मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, KMF से आएगा। अब KMF कैसे बनाना है बहुत ईजी, आप लोग YouTube में सर्च कर सकते हैं कि KMF कैसे बनाया जाता है। तो KMF को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज क्या जरूरी है कि आपको मतलब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानना होगा, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड, नॉट और, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आपको जानना है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, ये जानना है। मिन टर्म मैक्स टर्म के बाद आपको आना है SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, वो क्या होता है उसको जानना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बहुत ईजी उसको जानना। उसके जानने के बाद आपको ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो जानना है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद इसका कुछ मतलब जो KMF का कुछ लॉज है, आप लोग एक यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर साइंस चेक, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 5 वीडियो पार्ट 5 और पार्ट 6 अगर देखते हैं तो आपको KMF आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ पे कुछ बुलियन मतलब इसका मतलब केमैप का कुछ रूल्स हैं ठीक, उस रूल्स को फॉलो करके आप केमैप बनाना, जो जानते हैं बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना इजी है कि मत बोलो ठीक है। ये केमैप आएगा ही आएगा और इसमें से फॉर्म आउट ऑफ फोर आप इसको कर लेंगे, तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है। 21 नंबर ये क्वेश्चन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से होगा, जो कि 21 नंबर पर रहेगा और ये 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन ये रहेगा ठीक है। तो इसमें भी देखो देख सकते हैं ये नेटवर्किंग कीवर्ड, यानी कि जो भी नेटवर्किंग कीवर्ड है उस कीवर्ड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको वो छोड़ना नहीं है ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डू वी नीड टू नेटवर्क, नेटवर्क आवर सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम को नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है, नेटवर्क के कौन कौन से पार्ट है, नेटवर्क क्या है, ये ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन इसी इनसे को ज़्यादातर मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो भी मतलब अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेटवर्किंग कीवर्ड से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये थे हम लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन, यानी कि जो आएंगे ही आएंगे, जिसका चांस 100% है जो कि आएंगे ही आएंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब जो गैसेस क्वेश्चन है मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कुछ गैसेस क्वेश्चन है वो बताने वाला। अब जो ये केमैप वाला जो बता रहा था, यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर साइंस जैक ठीक है, वो बहुत अच्छे कंप्यूटर पढ़ाते हैं ठीक है। मैं भी बता सकता था बट जानते हैं टाइम प्रॉब्लम्स ठीक है, तो वहाँ पर आप जा करके वीडियोज़ बने हुई हैं देख सकते हैं ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये जो मतलब क्वेश्चन का भी मैं जितना बताया वो क्वेश्चन का पैटर्न बताया और जो क्वेश्चन कंपलसरी जो आने वाले वो क्वेश्चन बताए ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि मैं भी बना सकता था बट बहुत टाइम प्रॉब्लम है और मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है ठीक है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आपको जाना है कंप्यूटर साइंस जेक वाले यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको एक मतलब आपको बताएगा कि व्हाट्सएप मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ है, एक कंप्यूटर साइंस जेक एक व्हाट्सएप ग्रुप है ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर या फिर आप जो कंप्यूटर साइंस जेक अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा। तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जैसे आप ज्वाइन होते हैं तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस जेक यानी कि जो सर हैं जो अजीत सिंह है, उसने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, वही क्वेश्चन को आप लोगों को करना है ठीक है। मैं भी दे सकता तो इसमें से कुछ चुन के, लेकिन मतलब कुछ प्रॉब्लम है सो दैट मैं क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर कंप्यूटर का जो ग्रुप है वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे उस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। लेकिन अभी जो मैं बताई वो क्वेश्चन जो कंपलसरी ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ओके ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा मतलब हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, आप जानते होंगे ठीक है, और गला भी ख़राब है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए सॉरी ठीक है। अगर ये मतलब वीडियो पसंद आए तो बढ़िया मतलब इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आप लाइक करें सब्सक्राइब करें ये कुछ करें नहीं करें, लेकिन आपको इसको शेयर जरूर करना है क्योंकि एग्जाम सोमवार यानी कि कल यानी कि मंडे को 25 फरवरी को हम लोग का एक जैक बोर्ड में एग्जाम है ठीक है। तो ये हर किसी स्टूडेंट के पास ये वीडियो होना चाहिए ताकि वो कम से कम एटलीस्ट पासिंग मार्क तो स्कोर कर सके। पासिंग मार्क स्कोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वर्मा गैस का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सबको पढ़ने से ध्यान रखना है, और जो अभी भी जितने भी मैंने कह रहे हैं मतलब कंपलसरी क्वेश्चन बताए वो सबको आपको कर लेना है, जैसे केमैप और जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको कर लेना है। और ये बहुत ईजी है, और यहाँ पे जो 17 ये जो क्वेश्चन है ये 17 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, इसमें से आपको ईजिली 3 मार्क स्कोर कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ईजी है। और आपको इसमें कैसे अगर आप नहीं जानते तो आपको मैंने बता भी दिया कि सबसे पहले आपको इन्फिनिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है उसको पहले जानना है, उसके बाद आपको इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उसको वीडियो देख। अब YouTube में कम से कम अगर इसको प्रैक्टिस के साथ भी करेंगे तो कम से कम 1 घंटा में ये प्रिपेयर हो जाएगा आराम से ठीक है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो यही वीडियो था आज के लिए, तो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी एग्जामिनेशन।